केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, लखनऊ में सीएम योगी से अमेठी के विकास को लेकर होगी चर्चा, दो दिन अमेठी में लगाएंगी चौपाल। राजधानी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम जारी, आज शाहीनबाग में गर्जी का एमसीडी का बुलडोजर, नगर निगम ने दिल्ली पुलिस से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा। आज मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे राणा दंपति, गृह मंत्रालय में दर्ज कराएंगे शिकायत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी करेंगे मुलाकात। ललितपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा जहां बिना भेदभाव बिना बुराई के हो शासन, यही रामराज की है परिकल्पना, रामराज का मतलब ही है राष्ट्र का मंदिर। ओपी राजपूत का बड़ा बयान, कहा 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे गठबंधन के साथ, 2024 के चुनाव में करेंगे 2022 से बेहतर प्रदर्शन। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान, बोले देश की जनता राष्ट्रवाद के लिए संकल्पित है, आक्रमणकारियों ने जिन मंदिरों को तोड़ा उन्हें फिर बनाया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी पूजन मामले में नया बोर्ड, एक वादी राखी सिंह आज वापस ले सकती है केस, दूसरे चार वादियों ने बुलाई बैठक, कहा हमें जानकारी नहीं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद की गई, ज्ञानव्यापी विवाद बढ़ने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद ताजमहल के सर्वे की मांग तेज, यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर हुई याचिका, 22 बंद कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर, कल होगी सुनवाई। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने कसी अफसरों के बीच, कहा फील्ड विजिट बढ़ाए जिले के अधिकारी, मामले पर कोई लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। 21 मई को रुड़की रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली, स्टेशन अधीक्षक को मिला धमकी भरा पत्र, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से भेजा गया पत्र। मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी की बड़ी कार्रवाई, महिला थाना इंचार्ज मोनिका जिंदल और दरोगा रितु काजल सस्पेंड, रेप मामले में रिश्वत लेते वीडियो सामने आने पर गिरी गाज। दिल्ली के शाहदरा में स्थानीय लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई, 14 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का लगाया आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ दिल्ली में 0 FIR दर्ज, रेप का लगा आरोप, केस जयपुर ट्रांसफर किया गया। जोधपुर दंगे का सबसे खौफनाक वीडियो आया सामने, दंगाइयों ने बाइक सवार की पीठ में मारा चाकू, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर चाकू निकाला, घायल की हालत स्थिर। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में लश्कर के दो आतंकी ढेर, मारे गए आतंकियों में से एक की पाकिस्तानी। मॉस्को में विक्ट्री डे के लिए फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल, आज विक्ट्री डे के दिन राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। क्यूबा के हवाना में 5-स्टार होटल ब्लास्ट में मौतों का आंकड़ा 26 पहुंचा, बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अमेरिका देश के पेरू में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, संविधान में बदलाव करने के प्रस्ताव के विरोध में किया गया विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी का की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बवंडर का एक बेसबॉल स्टेडियम के बाहर देखा गया बवंडर।